स्टार्ट विद द लेरिंग्स। लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गन है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वॉइस का, और हमारे पास ये पैसेज वे देता है एयर को। सिचुएशन की बात करें तो ये हमारे पास लाया करता है फ्रॉम द रूट ऑफ टंग से ट्रेकिया तक इन फ्रंट ऑफ 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा इन मेल्स और फीमेल दो चिल्ड्रन के अंदर C1 से C4 तक होता है। ठीक है, साइज की बात करें तो 44 mm होता है मेल्स में और 36 mm होता है फीमेल्स में। मेल्स के अंदर ये प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी के, जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, जिससे वॉइस जो है वो लाउडर और लो पिच्ड हो जाती है। फीमेल में लेरिंग्स का रोल जो है प्यूबर्टल ग्रोथ में, प्यूबर्टल ग्रोथ लेरिंग्स की जो है वो नेग्लिजिबल होती है। इसका इंटरनल डायमीटर 3 mm होता है 3 ईयर तक, और एडल्ट्स के अंदर 12 mm होता है। लेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कार्टिलेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। कार्टिलेजेस जो है डिफरेंट होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, इसके साथ मसल्स होते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है कार्टिलेजेस ऑफ लेरिंग्स। इसके अंदर हमारे पास 3 पेयर्ड आती हैं और 3 अनपेयर्ड आती हैं। जो हमारे पास पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं, अनपेयर्ड में हमारे पास थायराइड, ट्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस आता है, और पेयर्ड के अंदर एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज आता है। थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो ये हमारे पास वी शेप्ड कार्टिलेज होती है, जिसके हमारे पास जो है राइट और लेफ्ट लैमिना होता है। ये लैमिना जो है ये ऑब्लीकली प्लेस्ड हुए होते हैं। इसका हमारे पास जो है इनके पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो हमारे पास बहुत दूर होते हैं, और इंटीरियर बॉर्डर दरमियान में फ्यूज हुए होते हैं। इसको हम लेरिंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं। इनके अपर पार्ट जो है वो आपस में मीट नहीं करते, इसको हम थायराइड नॉट, थायराइड बोन जो है वो थायराइड कार्टिलेज हायड बोन के साथ अटैच हुई होती है, तो थायरोहायड मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन के लेटर पार्ट में थिकनिंग हो जाती है, जिसको हम कह देते हैं थायरोहायड लिगामेंट। इसका जो हमारे पास इंफीरियर कॉर्नुआ है ना, ये यहाँ पे जो इंफीरियर है ये हमारे पास नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इसके साथ जॉइंट बनाते हैं, जिसको हम क्रिकोथायराइड जॉइंट कहते हैं। क्रिकोथायराइड जॉइंट जो है वहाँ पे हमारे पास क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन या कोनस इलास्टिकस होता है। थायराइड कार्टिलेज के आउटर सरफेस पे हमारे पास ऑब्लीक लाइन होती है, और हमारे पास जो ये हमारे पास रूट ऑफ इंफीरियर कॉर्नुआ से एक्सटेंड करती है इंफीरियर थायराइड ट्यूबरकल तक, और यहाँ पे हमारे पास जो है थायरोहायड, स्टर्नोहायड और थायरोफ्रेंजियस पार्ट जो है ना इस ऑब्लीक लाइन पे अटैच करते हैं। ये मसल थायरोहायड, स्टर्नोथायराइड और थायरोफ्रेंजियस, ये 3 मसल अटैच करते हैं। थायरोहायड, स्टर्नोथायराइड और थायरोफ्रेंजियस इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। अटैचमेंट की बात करें तो हमारे पास लोअर बॉर्डर और इंफीरियर कॉर्नुआ जो है वो इंसर्शन देते हैं लेटरल क्रिकोथायराइड को। उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर कनेक्ट करता है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्नुआ पे इंसर्शन कराता है पैलेटोफ्रेंजियस, सेल्फिंजोफ्रेंजियस, स्टाइलोफ्रेंजियस, ये तीनों जो फेरिंग्स मसल्स हैं ये यहाँ पे कनेक्ट होंगे। इनर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास मीडियन थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट आता है, ये हमारे पास आ जाएगा थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट, और आ जाएगा हमारे पास थायरोएपिग्लॉटिक मसल। इसके साथ ही हमारे पास आ गया थायरोएपिग्लॉटिक मसल। उसके बाद हमारे पास साइडों पे आ जाएंगे वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स, और साथ में आ जाएंगे वोकल फोल्ड्स। ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे अटैचमेंट है जो हमने बताया कि पैलेटोफ्रेंजियस, सेल्फिंजोफ्रेंजियस और स्टाइलोफ्रेंजियस। उसके अलावा थायरोरेटिनॉइड और वोकेलिस मसल अटैच, ये अटैच हुए थायरोरेटिनॉइड और वोकेलिस मसल, वोकल लिगामेंट, थायरोएपिग्लॉटिक मसल और थायरोएपिग्लॉटिक फोल्ड आ जाएगा, मीडियन थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट आ जाएगा। ये है मीडियन थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट, ये हमारे पास थायरोएपिग्लॉटिक मसल आ जाएगा, ये वेस्टिब्यूलर फोल्ड आ जाएगा, वोकल फोल्ड आ जाएगा। ये दो मसल कौन कौन से हैं, वोकल वोकेलिस और थायरोएरेटिनॉइड। इसके बाद हमारे पास एक क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एक रिंग फॉर्म में होती है, ये कंप्लीट कार्टिलेज होती है। ये लेरिंग्स के हमारे पास लेरिंग्स में थायराइड के नीचे पड़ी हुई होती है, और हमारे पास थिकर देन थायराइड होती है। इसका इंटीरियर आर्च होता है, पोस्टीरियर लैमिना होता है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज आ गया, इंटीरियर आर्च है, पोस्टीरियर जो है वो ब्रॉडर लैमिना आ जाएगा। ये जो है अपवर्ड प्रोजेक्ट करती है बिहाइंड द थायराइड, आर्टिकुलेट करती है एरिटिनॉइड कार्टिलेज के साथ। ये हमारे पास थायराइड से पीछे से प्रोजेक्ट करता है, इसके ऊपर आ जाएगी एरिटिनॉइड कार्टिलेज। इन्फीरियर कॉर्नुआ जो है थायराइड का वो आर्टिकुलेट करता है हमारे पास साइड ऑफ, यहाँ पे इन्फीरियर कॉर्नुआ जो है वो साइड ऑफ जो लेमिना और आर्च की साइड है ना, जहाँ पे वहाँ पे अटैच करता है और बनाता है क्रिकोथायराइड जॉइंट। अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्रिकोथायराइड मसल अटैच हुआ हुआ होता है, जो कि टेंसर है वोकल कॉर्ड का। इसके लेटरल एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड होता है, जो कि हमारे पास जो है एडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड है, और लेमिना पे हमारे पास एक सेफ्टी मसल अटैच होता है, जिसको पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड कहते हैं, जो कि एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड है। ये हम इसका अगर कट सेक्शन देखेंगे ना हाफ में, तो हमारे पास जो है ये कोनस इलास्टिकस आएगा। कोनस इलास्टिकस के ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन आएगी इसको क्वाड्रेट मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये जो नीचे वाली आएगी इसको हम कोनस इलास्टिकस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास एपिग्लॉटिस है, ये हमारे पास एपिग्लॉटिस है, जो कि लीव शेप है, अपर पार्ट ऑफ लेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो है अपवर्ड प्रोजेक्ट करती है थायराइड मेम्ब्रेन के बिहाइंड द हाइड बोन एंड टंग। और ये हमारे पास इसके लोअर एंड पे जो है थायरोएपिग्लॉटिक टिक लिगामेंट होता है, जो कि हमारे पास 2 लैमिनास ऑफ थायराइड कार्टिलेज के दरमियान में इंसर्ट। हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, जिसका लोअर एंड पे हमारे पास थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट और थायरोएपिग्लॉटिक मसल प्रेजेंट होते हैं। इसके हमारे पास दो सर्फेसेज होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर दो बॉर्डर होते हैं लेटरल, और दो एंड्स होते हैं अपर और लोअर। इसकी अगर अटैचमेंट की बात करें तो टंग से ये मीडियन ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड के साथ अटैच होता है, हाइड बोन से हायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट के साथ अटैच होता है, और थायराइड कार्टिलेज से थायरोएपिग्लॉटिक मसल के साथ अटैच होता है और थायरोएपिग्लॉटिक कार्टिलेज के साथ, और हमारे पास जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज है वहाँ से एरिएपिग्लॉटिक मसल के साथ अटैच होता है। इसके बाद हमारे पास एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज है स्मॉल पायरामिड शेप होती है, ये अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज पे पड़े हुआ होता है। हमारे पास ट्रायंगुलर शेप एरिटिनॉइड कार्टिलेज है, अपर बॉर्डर ऑफ उस पर पड़ी हुई है क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसका एपेक्स जो होता है वो हमारे पास कर्व्ड होता है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ अटैच करता है। इसकी बेस कन्वेक्स होती है, और हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लैमिना पे अटैच होती है, और हमारे पास इसके प्रोसेसेस होते हैं वोकल प्रोसेस, मस्कुलर प्रोसेस। ये एपेक्स हो गया, इसका एक वोकल प्रोसेस होता है और एक मस्कुलर प्रोसेस होता है। वोकल प्रोसेस पे हमारे पास वोकल फोल्ड और वोकेलिस मसल अटैच होता है, वोकल प्रोसेस के ऊपर जो हमारे पास है वेस्टिब्यूलर फोल्ड अटैच होता है, और मस्कुलर प्रोसेस पे पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड अटैच होता है।
मस्कुलर प्रोसेस पे पोस्टीरियर अस्पेक्ट पे पोस्टीरियर क्रिको रेटिनॉइड अटैच होता है, एंटीरियर पे लेटरल क्रिको रेटिनॉइड अटैच होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास एरिटिनॉइड कार्टिलेज के ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड अटैच होता है, बेस और एपेक्स के दरमियान में एरिटिनॉइड की हमारे पास क्या अटैच होता है, एरियाएपिग्लॉटिक मसल, और साथ में कुछ नहीं। उसके बाद सेंटर या कॉर्निकुलेट कार्टिलेज स्मॉल कॉर्निकल नोड्यूल्स हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं एपेक्स ऑफ एरिटिनॉइड से, और हमारे पास एरियाएपिग्लॉटिक फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक यूनिफॉर्म या रिस्बर कार्टिलेज, ये दो स्मॉल रॉड शेप होते हैं एरियाएपिग्लॉटिक फोल्ड के, एरियाएपिग्लॉटिक फोल्ड के अंदर पड़े हुए होते हैं, और हमारे पास कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के वेंट्रल होते हैं। थायराइड रिकॉइड कार्टिलेज और एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो है ये हाइलैंड कार्टिलेजेस होती हैं, बाकी तीनों इलास्टिक कार्टिलेजेस होते हैं। लैरिंजियल जॉइंट्स की बात करें तो एक जॉइंट हमारे पास क्रिको थायराइड बना है और एक जॉइंट हमारे पास क्रिको एरिटिनॉइड बना है। क्रिको थायराइड साइनोवियल जॉइंट है जो कि इन्फीरियर कॉर्नर ऑफ थायराइड और लेमिना ऑफ क्रिकॉइड से बना है, और ये परमिट करता है हमारे पास रोटेटरी मूवमेंट यानी कि नोकी मूवमेंट, और हमारे पास समवट ग्लाइडिंग होते हैं। क्रिको एरिटिनॉइड जो साइनोवियल जॉइंट है बिटवीन द बेस ऑफ एरिटिनॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये भी रोटेटरी मूवमेंट है वर्टिकल एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देगा तो ये यस वाली मूवमेंट देगा, ये वर्टिकल एक्सिस पे देगा तो ये नो वाली मूवमेंट देगा। उसके अलावा एडक्शन एबडक्शन कराता है और वोकल कोर्ड्स के एडक्शन और एबडक्शन को परमिट कराता है और ग्लाइडिंग मूवमेंट कराता है। ऑल डन हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मेम्ब्रेन तो लिगामेंट आते हैं, सबसे पहले आती है थायरोहायॉइड मेम्ब्रेन, थायरोहायॉइड मेम्ब्रेन थायराइड कार्टिलेज को हार्ट बोन से कनेक्ट कराता है, इसका लेटरल पार्ट जो है वो थी को के लेटरल थायरोहायड लिगामेंट बनाता है, मीडियम साइड में मीडियम थायरोहायड लिगामेंट बन जाता है, और इसको पियर्स कहती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल इसको पियर्स कहते हैं। ये हमारे पास थायरोहायड लिगामेंट है, इसके मीडियम में मीडियम थायरोहायड बन जाएगा, लेटरल साइड पे लेटरल थायरोहायड बन जाएगा, इसको पियर्स करेंगे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और इंटरनल सुपीरियर लैरिंजियल वेसल, इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल। इसके बाद हमारे पास आएगा हायोएपिग्लॉटिक हार्ड बोन का एपिग्लॉटिक से कनेक्ट करेगा, क्रिको ट्रैकियल क्रिकॉइड कार्टिलेज को ट्रैकियल रिंग से कराएगा, और इंट्रिंसिक यानी कि जो कि लेरिंग्स के अंदर ही रह जाते हैं वो हमारे पास आता है एक अदद क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और कोनस इलास्टिकस। क्वाड्रेट मेम्ब्रेन जो है हमारे पास जो साइनस बनती है दोनों साइड पे लेरिंग्स की, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन को कवर करेगी उसको हम क्वाड्रेट मेम्ब्रेन कह देंगे। ये हमारे साइनस की साइडों पर बन रही है, और ये हमारे पास जो नीचे से साइनस बनेगी उस पर आ जाएगी, साइनस के बिलो वाले पार्ट को हम कह देंगे साइनस के बाद वाले पार्ट पे क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, साइनस के बिलो वाले पार्ट पे कोनस इलास्टिकस आ जाएगी। ये हमारे पास लेरिंग्स है ना, लेरिंग्स के अंदर वाले पार्ट में लेरिंग्स के दरमियान में जहाँ पे लेरिंग्स की ओपनिंग है ना वहाँ पे हमारे पास बनेगा वेंट्रिकल, सामने से वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद लेरिंजियल इनलेट आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास दोनों जो हैं ऊपर वाली साइड पे हमारे पास होंगे वेस्टिब्यूलर फोल्ड, नीचे होंगे हमारे पास वोकल फोल्ड, दोनों वोकल फोल्ड के दरमियान में जो आएगा रीमा उसका नाम है रीमा ग्लॉटाइडस, ऊपर वाले का नाम आ जाएगा रीमा वेस्टिब्यूल है, दरमियान में स्पेस जो बच जाएगी उसको वेंट्रिकल या साइनस कहेंगे। वेंट्रिकल या साइनस के साइडों पे हमारे पास एक्यूल होंगे, वो उसको हम ऑयल कैन ऑफ लेरिंग्स भी कहते हैं, उसको हम साइनस ऑफ गैग्नी को ऑयल कैन ऑफ लेरिंग्स भी कहते हैं क्योंकि ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। कैविटी ऑफ लेरिंग्स, इनलेट ऑफ लेरिंग्स इज प्लेस ऑब्लिकली इंटीरियरली बाउंडेड बाय एपिग्लॉटस पोस्टीरियरली बाय इंटरनल एरिटिनॉइड फोल्ड ऑन ईच साइड बाय एरियाएपिग्लॉटिक फोल्ड विद इन द कैविटी ऑफ लेरिंग्स, अपर फोल्ड इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूलर फोल्ड व्हाइल लोअर फोल्ड इज कॉल्ड एज वोकल फोल्ड। Vestibular fold has right and left vestibular fold. The space between right and left vestibular fold are rima vestibula. The space between the right and left vocal fold is known as rima glottis. Vestibular and vocal fold divided by a cavity of the larynx into three part. The part above the vestibular fold is called as vestibule. The part between vestibular and vocal fold is called as sinus or ventricle. The part below the vocal fold is called as glottis. Vestibule, ventricle, glottis. The sinus of Mergagni or ventricle or हमारे पास ये हमारे पास fusiform cleft है जो कि vestibular और वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड्स के दरमियान में प्रेजेंट है। इसके साइडों पे हमारे पास सेक्यूल होता है, सेक्यूल ऑफ लेरिंग्स को ऑयल कैन भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास म्यूकस ग्लैंड रखता है और लेरिंग्स को लुब्रिकेट कर, लेरिंग्स जो है और ग्लॉटस ये नैरोएस्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी पैसेज का, यूजुअली फॉरेन बॉडीज यहाँ पे लाई करेंगी। लेरिंग्स के इन्फेक्शन को लेरिंजाइटिस कहेंगे, इससे हमारे पास हॉर्सनेस यानी कि आवाज़ भारी हो जाएगी। लेरिंजियल एडिमा की वजह से हमारे पास वैरायटी ऑफ कॉजेज हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंगर्स और टीचर्स के अंदर लेरिंग्स में नोड्यूल्स बनते हैं, और वो नोड्यूल्स कहाँ बनते हैं, वोकल फोल्ड में इंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन पे। मोस्ट कॉमनली जो फॉरेन बॉडी है वो हमारे पास पीरीफॉर्म फोसा या फिर वेलिक्यूला के अंदर लॉज करती है। पीरीफॉर्म फोसा हमारे पास क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और मीडियल साइड ऑफ थायराइड कार्टिलेज के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास इंटरनल लैरिंजियल नर्व पड़ी हुई होती है। इसी फोसा को हम स्मगलर फोसा भी कहते हैं क्योंकि ये डायमंड और स्टोन वगैरह की स्मगलिंग के अंदर भी यूज होता है। कहाँ पे पड़ा होता है, क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान में। नर्व सप्लाई की बात करें तो ऑल सारे लैरिंग्स मसल को हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है जो कि 10th नर्व है और हमारे पास 10th वेगस नर्व की ब्रांच है, और एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, क्रिकोथायराइड को एक्सटर्नल लैरिंजियल करती है, रिकरेंट लैरिंजियल करती है सब इंट्रिंसिक मसल को एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड जो कि इसको करती है एक्सटर्नल लैरिंजियल। सबसे पहला मसल आता है क्रिकोथायराइड, क्रिकोथायराइड हमें बता रहे हैं कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से थायराइड कार्टिलेज पे अटैच करेगा, और ये हमारे पास जो है लेंथनिंग और टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड कहते हैं इसको। फिर पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड को एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड कहते हैं, इसको अच्छे से याद करना है, इन तीनों को अच्छे से याद करना है। पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड होता है, ये हमारे पास बता रहा है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सर्फेस से एरिटिनॉइड कार्टिलेज पे अटैच करता है, एरिटिनॉइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अटैच करता है, ये हमारे एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड है। लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड जो है वो हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ आर्क ऑफ क्रिकॉइड से अटैच करके तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच करता है, ये एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड कराता है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, ये एरिटिनॉइड की पोस्टीरियर सर्फेस से अटैच ओरिजिनेट करके
दूसरे एरिटेनॉइड के पोस्टीरियर, एक से एरिटेनॉइड से स्टार्ट होता है, दूसरे एरिटेनॉइड पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑब्लिक एरिटेनॉइड और एरिया एपिग्लॉटिक, हमारे पास मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड से स्टार्ट होते हैं और एपिग्लॉटस पे अटैच कर जाएंगे। एरिया एपिग्लॉटिक जो है वो क्लोजिंग ऑफ इनलेट ऑफ लेरिंग्स के अंदर काम करेगा, और ऑब्लिक एरिटेनॉइड जो है वो हमारे पास एडक्टर्स के तौर पर काम करेगा। वो कैलस है, वो कैलस वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज से वोकल लिगामेंट पे अटैच करता है। इसमें से सेफ्टी मसल कौन सा है? पोस्टीरियर क्रीको एरिटेनॉइड को सेफ्टी मसल कहते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर यहाँ से लिम्फ ड्रेन होता है, और हमारे पास पोस्टीरियर ग्रुप के अंदर मेनली इंटरनल लैरिंजियल नर्व जो है वो हमारे पास अगर डैमेज होता है तो एनेस्थीसिया होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सुप्राग्लॉटिक पार्ट में। अगर हमारे पास डैमेज होता है एक्सटर्नल लैरिंजियल मेम्ब्रेन, तो हमारे पास एक्सटर्नल लैरिंजियल में वो हमारे पास क्रिकोथायराइड को सप्लाई देती थी। क्रिकोथायराइड क्या कर रहा था? टेंसिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड जो है वो थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाएगा। अगर दोनों रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो इंटरप्ट होंगी तो हमारे पास वोकल फोल्ड जो है वो कैडावरी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। कैडावरी पोजीशन कैसे होती है? कि टेढ़े मेढ़े से हो जाएंगे दोनों के दोनों, ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास एक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो तो अपोजिट साइड का वोकल फोल्ड, लाइक अगर ये वाली डायग्राम देखें तो इसमें लेफ्ट वोकल फोल्ड जो है वो कैडावरी पोजीशन में है, तो इसका मतलब है कि राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हुई है। पीरिफॉर्म फोसा के अंदर ट्यूमर की वजह से हमारे पास डिस्फेजिया हो सकता है, रेफर्ड पेन एयर में हो सकता है, क्योंकि टेंथ नर्व जो है वो नर्व टू स्टेपीडियस देती है हमारे पास एयर को भी। मीडियास्टिनम के अंदर अगर हमारे पास ट्यूमर हो तो वो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के ऊपर प्रेशर देंगे, जिसकी वजह से ऑल्टरेशन आ जाएगी वॉइस में। राइट वाली को मीडियास्टिनल ट्यूमर से इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो आती नेक में आती है। ट्रेकियोस्टोमी एक परमानेंट प्रोसीजर है, इसमें हम सेकंड से फोर्थ ट्रेकियल रिंग जो है ना उनको रिमूव कर देते हैं, उनके पार्ट्स को। मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड की बात करें तो अगर हमारे पास क्वाइट ब्रीदिंग होती है तो जो रीमा ग्लोटाइडस है ना, यानी कि वोकल फोल्ड के दरमियान वाला, रीमा ग्लोटाइडस की शेप इंट्रा मेम्ब्रेनस की ट्रायंगुलर होगी और इंट्रा कार्टिलेजिनस पार्ट की रेक्टेंगुलर होगी या स्क्वायर होगी, क्वाड्रेंगुलर होगी। फोनेशन जब हम बोल रहे होंगे तो हमारे पास रीमा ग्लोटाइडस जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड हो जाएंगे दोनों वोकल फोल्ड, और हमारे पास एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स होगी, एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स होगी। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के अंदर हमारे पास रीमा ग्लोटाइडस में जो इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्ट है वो हमारे पास मोर डायले फर्दर पार्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो एडक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डायमंड शेप शक्ल बन जाएगी और फुली एडक्टेड वोकल कॉर्ड्स होंगे, वोकल फोल्ड। इसको दोनों रीमा जो है वो ट्राइंगुलर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास विस्परिंग की कंडीशन में हमारे पास वोकल फोल्ड का जो हमारे पास रीमा का इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्ट है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा और कार्टिलेजिनस पार्ट दूर हो जाएगा। रीमा ग्लोटाइडस की शेप कैसी हो जाएगी? फनल शेप्ड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इन्फेंट लेरिंग्स और एडल्ट लेरिंग्स का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इन्फेंट लेरिंग्स साइज में 1/3 होता है, पोजीशन में हायर होता है, इसका ल्यूमन नैरो होता है, इसमें हमारे पास ये शॉर्ट और फनल शेप। इसके अलावा ये हमारे पास C2 एपिग्लॉटस जो है C2 लेवल पे होता है, एलिवेशन में हमारे पास C1 पे चला जाता है। नेजल एयरवे जो है वो सकलिंग के दौरान, ब्रीदिंग के अलावा सकलिंग के दौरान भी जो है वो सकलिंग के दौरान ब्रीदिंग एयरवे यूज हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता, एडल्ट्स में नहीं होता। लैरिंजियल कार्टिलेज सॉफ्टर होती है, थायराइड कार्टिलेज शॉर्टर ब्रॉडर होती है, वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो 4 से 4.5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं और शॉर्टर होते हैं चाइल्डहुड और एडल्ट्स में थोड़े शॉर्ट होते हैं। सप्राग्लॉटिक और सबग्लॉटिक म्यूकोजा जो है वो हमारे पास लैग्स और स्वेलिंग वाला होता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है।